माननीय सत्संग चालक जी मोहन जी भागवत, आदरणीय अशोक जी सिंगल, हमारे भाई मित्र विजय सोनकर शास्त्री, पंड्या जी, प्रभात कुमार जी, स्मृति जी, आज मुझे बहुत खुशी है कि ये तीन किताब एक साथ विमोचन हो रहा है। मन में जो हमेशा पीड़ा रही कि ये समाज एक कैसा हो, क्योंकि मैं जब पूरा समय काम करने लगा और खासकर उत्तर भारत में ज़्यादा प्रवास होने लगा, तो हर जगह जावड़ेकर नाम से बड़ी लोगों को दिक्कत होती थी, समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है, और लोग पूछते भी थे कि आप कौन है। तो कौन है माने आपकी जात क्या है, यही पूछते हैं लोग। और मैं तो संघ के शाखा में हमें कभी किसी ने जात पूछी नहीं और किसी से जात पूछी नहीं जाती वहां, तो उस माहौल में तैयार हुए। मैं महाड़ में था, एक छोटा इलाका है, एक छोटा तहसील है, लेकिन वहां की पृष्ठभूमि ये थी कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सत्याग्रह किया, पानी के लिए लड़ाई लड़ी दलितों की, वो वहां से प्रारंभ हुई थी। और उसके पूरा आंदोलन के उन्होंने जिन्होंने उनको साथ दिया था वो हमारे एक गुरु थे, तो उनके पास हम बैठते थे, सुनते थे। मेरी माँ आज 90 साल की है, लेकिन मूलतः प्राथमिक शिक्षक है, अध्यापक है प्राथमिक स्कूल में, तो मेरे घर में स्कूल के बाद वो पढ़ाती थी, तो उस समय 2 रुपये उसका ट्यूशन था, 2 रुपये का भी। लेकिन मेरे यहाँ चर्मकार समाज की एक बस्ती थी, तो उनके जो बच्चे आते थे, माँ कहती थी, यानी 50 साल पहले का माहौल मैं बता रहा हूँ देहात का, कि जहाँ जब ग्लास अलग रखे जाते थे, वो मैंने देखा है कुछ घरों में, लेकिन हमारे घर में ऐसा कभी माहौल नहीं रहता, उल्टा सब साथ बैठकर पढ़ेंगे और उनसे 2 रुपये भी नहीं लेंगे, क्योंकि स्थिति गरीबी है, तो उस गरीबी कोई दोष नहीं है, तो इस माहौल में हम पढ़े। और इसलिए मैंने देखा और हमारे जीवन में तो वही आया कि सब एक समाज एक रस है, समरस है, और उसके लिए करना है। और इसलिए जब मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नामांतर का उसका नामकरण करने का डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में, तो बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में हम शरीक हुए, अनेक लोग हमारे में से जेल भी गए, बाकी भी लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि इसके बारे में हमारे मन में कभी दुविधा नहीं थी कि ये समाज का अभिन्न हिस्सा ही नहीं, सब मिलके ही तरक्की होगी तभी देश आगे बढ़ेगा, ये छुआछूत एक अभिशाप है। और उसी में 1974 में पूना में वसंत व्याख्यान माला में पूजनीय उस समय सरसंचालक जी बाला साहब देवरस थे, उनका भाषण हुआ, और उनका भाषण मैं सभी भाषणों को जाता था, कवर भी करता था कभी कभी, तो मैंने मुझे आज भी वो पूरा शब्द याद है उनका, जिस तेवर से वो बोले थे, उन्होंने ये कहा कि अगर छुआछूत एक बुरी व्यवस्था है, वो नहीं चाहिए, इट मस्ट गो लॉक स्टॉक एंड बैरल, दैट वाज हिज वर्ड्स, वो एक प्रेरणा से बोले थे। अटल जी हमेशा कहते थे अगर छुआछूत पाप नहीं है तो फिर दुनिया में कुछ भी पाप नहीं होगा, इससे ज्यादा बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। दत्तोपन ठेंगड़ी जी का भाषण हम सुनते थे और वो एक मानते थे कि जैसे समाज की तरक्की होगी, समाज में सभी लोग जैसे अर्बनाइजेशन होता है, सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं, धीरे धीरे ये संवाद बढ़ेगा और ये छुआछूत हमेशा के लिए नष्ट होगी, ऐसा भी एक उनका मानना होता था। तो हमने तो ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ ही हम पले बढ़े और आज तक यहाँ आए, इसलिए हमारे मन में कभी भाव नहीं पैदा हुआ। लेकिन समाज में एक जाति का वास्तव है,
पहले केवल रोटी और बेटी व्यवहार में होता था, धीरे धीरे रोटी व्यवहार का बहुत सारा भेद खत्म हो गया क्योंकि समाज पूरा एक साथ काम करने लगा, बहुत सारी बातें हुई। बेटी व्यवहार में आज भी होता है बहुत बार, और हम देखते हैं उसके लिए क्या क्या स्थितियां होती है। और राजनीति में एक नई अनटचेबिलिटी आ गई, और राजनीति में जात के आधार पर वोटिंग का एक ट्रेंड बन गया। 2009 के चुनाव में एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल में एक परिचर्चा थी, परिचर्चा में हम गए बीजेपी के नुमाइंदे करके, और उसमें पूरे सब पार्टियों के प्रतिनिधियों ने जो बोलना था वही बोला कि भाई जात के आधार पर वोटिंग गलत है, ये है वो है, सब तर्क दिए, सब हुआ। उसके बाद जो उसका एंकर था उसने पूछा, जो लोग उपस्थित थे 200-250 लोग उपस्थित थे, और ऑडियंस से पूछा उन्होंने कि अब ये सब सुनने के बाद अब भी आप जात के आधार पर कोई वोट करेगा क्या? तो लगभग 250 में से 240 हाथ ऊपर उठ गए, हाँ बोले हम करेंगे। तो वो तो दंग रह गया, ऐसा कैसे हो गया? तो इसलिए हो गया कि उन्होंने कहा भाई मायावती हमारे गांव की मुख्यमंत्री बनी, हमारे जाटो बिरादरी ज्यादा गांव में है, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं होता था, वो आई हमारे विकास हुआ। तो विकास का ही वो चाहत है, वो आइडेंटिटी की तलाश है, वो विकास की चाहत को भी एक जाति का आधार पकड़ के चल रहे थे। और इसलिए मुझे 2014 के चुनाव एक क्रांतिकारी चुनाव लगते हैं सामाजिक संदर्भ में भी, कि जब ये जाति पाति के बीच में बनी दीवारें जो 30-40 साल में और मजबूत होती थी एक ही धक्के ने मोदी के नेतृत्व में गिरा दिया, और इसका एहसास मैं बताऊं, खलीलाबाद के एक एमपी समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी थे दो बार जनार्दन यादव, एक दिन मुझे हमारे डिस्पेंसरी में मिले लोकसभा के 1.5-2 साल पहले, अरे भाई मोदी जी का जल्दी घोषित करिए। मैंने कहा क्यों? बोले भाई आप समझ नहीं रहे, आज लोगों को विकास चाहिए, दूसरा नहीं कुछ चाहिए, लोग इससे बाहर जाने को तैयार है, आधे से ज्यादा यादव युवा आपको वोट करेंगे आप अगर उनका नाम घोषित करेंगे तो। दैट वॉज द प्रेशर, हाउ लोग क्या क्या बता रहे थे, और प्रत्यक्ष हुआ, हमने देखा सभी जातियों में, जातियों की दीवार इस तरह से राजनीति में 2014 के चुनाव में टूटी। ये एक बड़ा अच्छा एहसास है कि समाज में बदलाव होगा, बदलाव की नई एस्पिरेशंस होगी, नई एस्पिरेशन विकास की होगी, विकास की भाषा सबको एक जगह सूत्र में बांधेगी और सबको समान स्तर पे खड़ी करेगी। मुझे लगता है ये एक नया एहसास, एक नया विश्वास है, और इसलिए मैं देख रहा हूं कि भविष्य में एक समरस समाज का निर्माण होगा, और ये जो समरस समाज का निर्माण होगा इसके लिए लेकिन समझे बिना नहीं होता, और समझ बढ़ाने के लिए शास्त्री जी आपने जो किताबें लिखी है वो बहुत अहम है। वो जो किताबें हैं वो अपने को दृष्टि देती है कि एक एक जाति का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, किस किस ने उसमें काम किया, उसमें भी तो समाज सुधार के काम हुए, हर जाति में हुए, लोग अच्छे अच्छे पैदा हुए। परसों मुझे सिंगल जी ने एक कहा, वाल्मीकि समाज का, वाल्मीकि का एक मंदिर है चित्रकूट के पास, उत्तर प्रदेश के सीमा पर है 30-35 किलोमीटर पहले, और बहुत ऊंचे पहाड़ पर है, और वहां अब वो अच्छी अवस्था में नहीं है, तो उसके बारे में करें। अब क्या है, कुछ अच्छी चीज भी कर दिया है तो एनवायरनमेंट का क्या है ये पहले देखना पड़ता है, और एनवायरनमेंट का कोई रोड़ा तो नहीं आएगा मंत्रालय से, ये भी देखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने तुरंत मेरे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वहां जाकर देखिए वो फॉरेस्ट का होगा फिर भी क्या है, कैसे है, लोग आते हैं उनकी सुविधा कैसे बनाएंगे, पर्यावरण के रक्षा करके भी, पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाते हुए भी, समाज को जिन्होंने इतना बड़ा बल दिया, हमारे देश के निर्माण में जिनका इतना बड़ा योगदान है, उस वाल्मीकि के मंदिर में या ऐसे किसी भी सामाजिक संदर्भ में जो क्रांतिकारी है
उनके संदर्भ में पर्यावरण का रोड़ा नहीं बनेगा, दोनों साथ साथ होगा। और ये भी होगा काम अगर ठीक तरह से पाए जाते हैं और जो करना चाहते हैं वो अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई रोड़ा नहीं होगा। इतना ही मैं कहूँगा, मुझे लगता है इसी दृष्टि से हमें आगे जाना पड़ेगा और सब मिलके एक रस समाज, एक समरस समाज तैयार हो, यही अपनी कल्पना है। बहुत बहुत धन्यवाद।